हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ द चरावर क्लासेस में। तो बेटा, आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है द चरावर क्लासेस को लेकर, ठीक है, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार भी था, ठीक है, कि कैसे हमको आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करें। ठीक, तो कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए थोड़ी सी मेहनत भी हुई, ठीक है, क्योंकि बिना मेहनत के और संघर्ष के सफलता नहीं मिलती है। तो आपको बस छोटा सा ये काम करना है कि आपके फोन में प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, ठीक, प्ले स्टोर जो एंड्रॉइड यूजर्स होते हैं और ऐप स्टोर जो आईफोन यूजर्स होते हैं, ठीक है, वहां जाकर आपको ये जो एप्लीकेशन है इसको ध्यान से देखिएगा, इसका लोगो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सिंपल से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर से ओटीपी आएगा, उसको आप एक्सेस कर पाएंगे और वहां पर आपको डेमो क्लासेस आप देख सकते हैं, ठीक, और उसको आप परचेज भी कर सकते हैं यदि आप उसे संतुष्ट हैं तो, ठीक है। तो आपके लिए छोटा सा काम है कि आज ही ये द जरूर क्लासेस को डाउनलोड कर लीजिए और अपने साथी मित्रों परिवार में जो भी टीचिंग लाइन में है, ठीक है, जो भी अध्यापक भावी समय में अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहते हैं, तो उनको ही बोलिएगा कि एक बार इस चैनल की जो हमारी जो डेमो क्लासेस हैं वो जरूर देखें, ठीक है ना, क्योंकि बिना देखे या बिना किसी भी चीज को ऑब्जर्व करे आप उसके प्रति मतलब सेटिस्फेक्शन वाली जो हमारी जो फीलिंग है वो नहीं आती है। हमारे बहुत सारे पुराने बच्चे हैं जिन्होंने मैक्सिमम मतलब वो के इतने सारे रिस्पॉन्स दिए हैं, ठीक है, अबाउट द जरूर क्लासेस के जो कंटेंट वीडियो है हमारी, ठीक है, तो जो कंटेंट वीडियो है उनको देखने के बाद उनके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, उनको मैसेजेस को एक एक करके टेलीग्राम के लिंक पर भी हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको जो अगर अगर आपको समस्या है तो इसका जो लिंक है एप्लीकेशन का द जोरावर क्लासेस का आपको नीचे ही मिल जाएगा टेलीग्राम के लिंक के साथ। सिंपली है, उसको डाउनलोड करिए और उस पर आप थोड़ा सा अपना समय दीजिए, ठीक है ना, और कंटेंट वीडियो आपको मिल चुकी है, दो तीन सब्जेक्ट की तो पूरी पूरी मिल चुकी है, और धीरे धीरे ये जो मार्च एंड है, ठीक है, मार्च 2021, ठीक है, इससे पहले पहले आपको जितने भी बाकी सब्जेक्ट आपके बसते हैं, जैसे सपोज मेरा ही बसता है हिंदी, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक, ये सारे सब्जेक्ट आपको धीरे धीरे मार्च 2021 के खत्म होने से पहले पहले आपको आसानी से मिल जाएंगे और उसको आप कैसे भी कभी भी देख सकते हैं, ठीक है ना, अपनी वीडियो क्वालिटी के अनुसार, ठीक है, और उसको आप सेव भी करना चाहें तो आपकी वो जो ऐप है उसी के अंदर ही वो सेव भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, आज थोड़ा सा हमारा मिसलेनियस टॉपिक मैंने लेकर आया हूं आपके लिए, चलिए शुरू करते हैं। अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? सौर शैनी, पैशाची, मागधी और अर्ध मागधी। तो जो अवधि है जी, उसका उद्भव बताना है कि उसका उद्भव हुआ कैसे है जी। तो जी कमेंट करते रहिए। अवधि का उद्भव, ठीक है, ये पढ़ाया हुआ टॉपिक है, ये अर्धमागधी से हुआ है, अर्धमागधी, ठीक है, सिंपल है जी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलें, प्रश्न नंबर दो, ठीक है, ये जो टॉपिक है आपको इन सब को टॉपिक कैसे अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इसके लिए आपको जो हमारा जो चैनल की जो कंटेंट वीडियो है आप वहां जाके वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, डिटेल में अगर आपको उसको समझना है तो। प्रश्न नंबर दो, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? देखिए, अपभ्रंश जो शब्द है उसको मैं थोड़ा सा एक्चुअली बता देता हूं, ठीक है, वैसे मैंने कंटेंट में बताया हुआ है, अपभ्रंश का मतलब होता है अवहट, ठीक, अवहट, ठीक, अवहट का मतलब क्या होता है, देखिए, ऐसा रूप जो कि मतलब थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा टूटा फूटा, ठीक है, या फिर थोड़ा सा भ्रष्ट, थोड़ा सा मतलब बेकार हुआ, तो ये होती है अपभ्रंश का अर्थ, वो होता है शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं मैं आपको अपभ्रंश का जी। प्रश्न का उत्तर कुछ बच्चों का आ रहा है तेजी से जी। ये जो बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया है, इन सभी का जो उद्भव हुआ वो किस अपभ्रंश से हुआ? मगधी, ठीक है ना, मगधी मतलब जो मगध जो इलाका है, ठीक है, मगध के आसपास के जितने भी राज्य और जितने भी एरिया थे उनकी जो एक भाषा थी कॉमन, क्या थी? मगधी,
और उसी से ही हमारी भाषाएं निकलकर आई। आगे बढ़े प्रश्न नंबर तीन। प्रश्न नंबर तीन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। अब देखिए थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा एक प्रदेश है, ठीक है, अलग अलग राज्यों से उसकी सीमाएं जुड़ी हुई हैं, ठीक है, जिसमें से कि आप देखें तो दिल्ली भी है, बिहार भी है, ठीक है, तो और नेपाल, नेपाल तो एक बल्कि एक देश है, वो सॉरी राज्य नहीं, एक अन्य पड़ोसी देश के साथ भी जुड़ी हुई है। जी बताइए उत्तर प्रदेश के कौन से एक देश से जुड़ी हुई है, कौन से राज्य से, है ना, आंसर दीजिएगा, हो सकता है हमारे साथ जुड़े हुए हों बच्चे। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अवधि, ब्रज और खड़ी बोली और मैथिली, यानी कि आपको देखना है कि कौन सी एक भाषा है जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, यानी कि तीन बोली जाती होंगी। तो देखिए अवध, अवधि तो बोलेंगे ही, ठीक है, अवध तो वहां पे था ही, और ब्रज तो आपको पता ही है, सूरदास वगैरह इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा, ठीक, और खड़ी बोली तो उत्तर प्रदेश की ही मूल एक तरह की भाषा रही है, तो कौन सी बची हमारी, मैथिली, ठीक। अभी मैथिली जो है ये आपको कई तरह से दिखाई देगा, एक्चुअल शब्द तो यही है, ठीक। तो अब देखेंगे जो मैथिली भाषा कहाँ बोली जाती है, मैथिली भाषा बेसिकली ये जो हमारा बिहार राज्य है और उसके सटे हुए वो जो आपको पता होगा जो बाद में जिसके अलग अलग हुआ, ठीक है, झारखंड, ठीक, और झारखंड के अलावा जो भी तराई का क्षेत्र है नेपाल तक, ठीक, वहां पर ये भाषा जो है बोली जाती है। भारत में लगभग 3 करोड़ आबादी, ठीक है, मैथिली बोलती है, समझ रहे हैं आप मेरी बात, ठीक है ना। और मैथिली से याद आया, एक मैथिली ठाकुर करके हैं, बहुत सुंदर गाना गाती हैं वो, मैथिली ठाकुर, ठीक है, बहुत सुंदर गाना गाती हैं वो, और वो इंडियन आइडल के लिए भी गई थी और वहां पे मतलब वो पार्टिसिपेंट थे, मतलब, ठीक है, बहुत सुंदर गाती हैं, कभी आपको समय मिला तो आप उसको फेसबुक पे या इंस्टा पे सर्च कर सकते हैं, मैथिली ठाकुर नाम ही उनका मैथिली, और मैथिली में ही गाना भी गाती है, बहुत अच्छे से इन्होंने रामचरितमानस भी एक बार सुना है मैंने इनको से। चलिए प्रश्न नंबर चार। प्रश्न नंबर चार क्या बोल रहा है, महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो आपका का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ठीक है, तो ये सब जो है वर्ग, ठीक है ना, इनको अगर हम इस तरह से बांटेंगे तो इसमें से आप देखेंगे यहाँ पे हमारे जो अब ये शायद ये आपको पता ही होगा, थोड़ा सा यहाँ पे एक सेकंड दोबारा से लिख देता हूं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पावर्ग, ठीक है, का चा टा ता पा, ठीक। अभी देखेंगे ये जो हमारे जो व्यंजन होते हैं, ठीक है, ये इन व्यंजनों को हम इस तरह से ही बांटते हैं, ठीक। अब ये जो है व्यंजन आपको पता होगा, इनको स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है, और स्पर्श व्यंजन के साथ साथ में इनको दो कैटेगरी में भी बांटा गया है, दो इनके विभाजन किए गए हैं, कौन कौन से, अल्पप्राण और महाप्राण। तो महाप्राण पहले हम पहचान लेते हैं, ठीक है ना, देखिए महाप्राण मतलब इसको बोलने में ज्यादा आपको श्वास लेना पड़े या जो जिससे हमारा जो कंठ में, ठीक है, कंपन पैदा हो, अल्पप्राण जिसमें ना हो, सिंपल है। तो अब देखिए अल्पप्राण कौन से हैं, पहले महाप्राण पता कर लेते हैं क्योंकि इसका उत्तर भी वहीं से हमारा निकल कर आ जाएगा। देखिए जो अल्प प्राण, जो महाप्राण होते हैं, ठीक है, महाप्राण ध्वनियां जो इसके अंतर्गत होती है, ये स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत, वो कौन सी होती है, दूसरा और चौथा। दूसरा कौन सा हो गया, ये, और चौथा कौन सा हो गया, ये, तो ये हमारे हो गए कौन से, महाप्राण। अब जो बाकी बचे कौन से बचे, क, ट और प, ये कौन से हमारे, ये है अल्प प्राण। आई होप आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, इसकी डिटेल वीडियो भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़े, तो इसका हो गया दूसरा और चौथा। प्रश्न नंबर पांच, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ठीक है जी बताइए। देखिए जो सवालों की परिभाषा, जो सवालों की जो भाषा होती है वो उस तरह की होती है ताकि आपको थोड़ा सा समझने में और समय लग जाए, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल आजकल परीक्षा नहीं हो रही है, ठीक है ना, वैसे ही पता है कि जो परीक्षा हो भी रही है उनका क्या हो रहा है,
आपको पता ही होगा कि आजकल सोशल मीडिया पे क्या छाया हुआ है, ठीक है ना। तो परीक्षाएं थोड़ी सी और कठिन पे कठिन होती जा रही हैं, ठीक है ना। जो प्रतिभागी हैं उनके लिए थोड़ा सा और मतलब आपको मतलब भीड़ में से अलग निकलना पड़ेगा, ठीक, तब जाके आपका सिलेक्शन पहुंचेगा। तो उसी भीड़ से अलग निकालने के लिए ही द जोरावर क्लासेस के जो हमारा चैनल था, यूट्यूब चैनल, उसने आपको एक गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर एक एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करवा दी गई है। वहां पर आपको क्या मिलता रहेगा, वहां पर आपको कंटेंट मिलता रहेगा जो भी आपके टॉपिक्स हैं, तभी आप उनसे अलग हो पाएंगे। और आपको पता होगा, देखिए द जोरा क्लासेस जो आपको पता है मेनली फोकस किस पे है, वो केवीएस वाले एग्जाम पे ही है मेनली फोकस, ठीक है ना। हमारा जो मेन फोकस क्या है, पीआरटी और टीजीटी, ठीक है। पीजीटी को भी इससे फायदा होगा, बट यहाँ पे पीजीटी वाला जो दूसरा पेपर होता है पेपर टू, उसका कंटेंट नहीं मिल पाएगा, पर जो पीजीटी में जो पेपर वन होता है, ठीक है, वो यहाँ से आराम से क्लियर हो सकता है। चलिए तो इसका उत्तर बताते हैं कि स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, यानी कि उनके साथ में कोई ना कोई एक जुड़ा होगा, ठीक है, गठबंधन होगा, अलायंस होगा। तो जब ऐसे शब्दों को होंगे तो वो क्या कहलाते हैं, सिंपल सी भाषा में वो कहलाते हैं यौगिक। देखिए नाम से बोला यौगिक, सिंपल किसी चीज का योग है, आसान था। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 पढ़ेंगे जल्दी से। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ठीक है ना। बहुत आसान है, जल्दी से कर सकते हैं आप इसको, कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। देखिए तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए गए, ठीक है, ज्यों के त्यों लिए गए, उनको हम कहते हैं तत्सम शब्द, जो हमारी जो आज की भाषा है उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो अब बताइए इसमें से कौन सा एक शब्द है जो कि तत्सम शब्द होगा। जी बहुत बढ़िया, यह है हमारा गोधूम, ठीक, गोधूम, ठीक है। और इबहू और शहीद और पड़ोसी क्या हो जाएंगे, तद्भव शब्द, ठीक है। इसमें अलग अलग शब्द ऐसे कैटेगरी में डिवाइड रहते हैं। प्रश्न नंबर 7, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। बहुत आसान है, तो तुरंत बता देंगे, जब मैंने आपको टॉपिक बताया था ये आपको बुढ़ा क्या बोलते हैं संज्ञा वाला, तो उसमें बताया था आपको, ठीक है, जो संज्ञा आपकी होती है, ठीक है, तो उसमें आपको ये याद रखना है कि ये जो हमारा जो भाववाचक संज्ञा है, ठीक, इन पे छोड़ दो, ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा में सिंपली आपको क्या करना है, वही आपको इंग्लिश में अगर बताया हम तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या होती है, वो आपको दिखाई नहीं देती, दिखाई ना देना, केवल क्या होता है, महसूस होती है, ठीक, ओनली महसूस होती है, दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर जो बुढ़ापा है वो एक प्रकार से क्या है, वो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, दिखाई नहीं देती बट उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। बहुत आसान सा सवाल है, ये सभी लोग कर पाएंगे, कि इसका जो लिंग परिवर्तन है वो हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। चाचा का है, बहन का है, कोयल का है या भैंस का है, बताइए किसका नहीं है। अब देखिए आपका चाचा का चाची हो गया, बहन का भाई हो गया, कोयल का क्या हुआ बताइए, और भैंस का भैंसा हो गया, ठीक। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोयल, कोयल का कोई भी हिंदी में लिंग परिवर्तन नहीं दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 9, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, ठीक। आपको जब मैंने क्रिया कराई थी, ठीक है, तो आपको ये बताया था कि जो क्रिया के आधार पे ही लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला सीता पानी पी रही है, पानी पी रही है, ठीक है ना, राम पानी पी रहा है, ठीक है। तो देखिए जो लिंग का निर्धारण हुआ, ठीक है, वो ना तो हमारा इस पे हुआ संज्ञा के आधार पर, ठीक है, ना सर्वनाम के आधार पर, लो उसकी जगह पे वह होता है तो सर्वनाम हो गया ना, ठीक है। तो किसके आधार पर होता है, इसके आधार पर, ठीक
ठीक रहा है रही है, ठीक है। तो इनके आधार पर जब होता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, आंसर हमारा क्रिया के आधार पर, ठीक है। पढ़ाया हुआ टॉपिक है। चलिए प्रश्न नंबर 10। तिथि शब्द का बहुवचन क्या है, ठीक है। बहुवचन बताना है इसका, प्लूरल बोलते हैं इंग्लिश में, ये बताइए। तिथियों, तिथियों, तिथियां या कोई नहीं। जी आसान है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तिथियां, ठीक है। तिथियों नहीं होता, याद रखना, और ये तो स्पेलिंग की मिस्टेक है, ठीक है। तिथियां ही होता है, ये बहुवचन है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास हमारा कैसे रही, इसका इसके लिए मुझे जानना पड़ेगा आपका स्कोर, कि आपने आज क्या स्कोर किया है, ठीक है। बेटा जो अभी चैनल के साथ में फिर से जुड़े हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि आपको जो आपका गूगल प्ले स्टोर है, ठीक है, और एप्पल का ऐप स्टोर है, ठीक है, वहां जाकर, ये दो जो स्टोर होते हैं, ठीक है, वहां जाकर आप सिंपली क्लिक करिए द जोरावर क्लासेस, ठीक है। तब आपको एक एप्लीकेशन का जो लोगो है वो दिखाई देगा, कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, ये लोगो है। तो ये आपको जो ध्यान रखना है, लोगो हो सकता है कोई दूसरा बनाए, तो आपको ये लोगो याद रखना है, ठीक है, और चैनल की स्पेलिंग भी याद रखनी है, ठीक। तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, यहाँ पर आपको जो PRT और TGT और PGT का फर्स्ट पेपर, पेपर 1, ठीक है, यहाँ पर आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी आसानी से, ठीक है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, आपको जो भी कंटेंट है आपका, चाहे वो इंग्लिश हो, ठीक है, चाहे वो CDP हो, ठीक, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, सारी की सारी वीडियो के माध्यम से आपको KVS में, ठीक है, सफलता दिलाने के लिए, ठीक है ना, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बट कोशिश आपकी यही है कि आपको चैनल को ज्वाइन करना है, ठीक है, और आप वहां पे जाके कंटेंट वीडियोस को देखना है, और आपने नोट्स जरूर बनाने हैं, ठीक है, नोट्स जरूर, यदि आप नोट्स नहीं बनाते तो फिर व्यर्थ है वो आपको देखना का पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में दोबारा से मिलेंगे, तब तक अपना और अपने घरों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।